News 18, India. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। नोएडा में शो करता हुआ सेक्टर 18 में पिछले दो तीन हफ्तों से आपके साथ यहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ रहा हूं, कनॉट प्लेस नहीं जा रहा। लेकिन बातचीत के इस सिलसिले में तमाम सारे पहलू मुझे यहां देखने को मिले, तमाम सारे लोग यहां पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो खड़े बहुत देर से इंतजार में मार्केटिंग कर चुके हैं लेकिन शो का भी आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? मेरा नोएडा से। नोएडा से जी, कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहें, ये तो जनता ही बताएगी। और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें हमको साथ देना है और 400 के पार उनको लाना है, तभी ये क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ा शांत होंगी। अब महादेव कहाँ आ गए बीच में यहाँ? भगवान का नाम लेना सर गलत बात है क्या? ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम, हर हर महादेव। नहीं, वहाँ मोदी जी के, श्री कृष्णा, मोदी जी की बात हो रही थी, तुमने महादेव जी का बीच में लिया है जिक्र। भगवान का नाम लेने से एनर्जी मिलता है सर। नहीं, मैं कह रहा था मोदी जी की बात चल रही थी, तुम महादेव जी कहाँ से आ गए? सर मोदी जी तो आएंगे ही इस बार 400 के पार, वो तो सारी जनता जानती है। अच्छा, तुमने अपना रिकॉर्डिंग वहीं पे लगा दी है, अब आप कुछ भी कहिए। जनता है सर, ये जनता है, सच में ये जनता है, ये जो तय करती है। इसके बारे में आप कुछ भी पूछिए, फिर उसका अपना एक ट्रैक है। वो बाबूजी पता नहीं चले गए या नहीं चले गए हैं, तो अब मैं आता हूं उनके पास, वो नाराज थे मुझसे कि आप बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं, कांग्रेस वालों से नहीं पूछ रहे। मैंने कहा माथे पे तो लिखा नहीं है कहीं, मैं आ जाता। वो आ गए कि आ जाए, मैं पूछता हूं उनसे। जी सर, मेरा ये कहना है कि जो लीडर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं सोसाइटी का। बहुत अच्छी बात। और जो मेरा सोचना है कि सकारात्मक राजनीति जो होती है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में जो अच्छे काम भी हो रहे हैं उसका भी विरोध होता है, और जो क्रिटिसाइज करना चाहिए, आलोचना बहुत जरूरी है, आलोचना करेंगे तभी हम आगे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं लीडरशिप से, तो मेरा ये सोचना है कि कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे में मुझे ये कहना है कि किसानों के मुद्दे में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और दोनों सरकारों को, व्यक्ति को, पंजाब की सरकार को और हरियाणा की सरकार को, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए कि जिसके वजह से किसी प्रकार की जन हानि हो, और किसानों की बातों को सुना जाना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। विनोद जी आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, विनोद जी आपने कहा कि ये टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, और ये बात सच है। किसान है वो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वार्ताएं फेल होंगी, यकीनन फेल होंगी, लेकिन प्रेशर और भी है, और भी तरह से बनता है किसानों के हित के लिए, पूरे देश के किसानों के हित के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर बातचीत हो तो बहुत बढ़िया है। बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है, वो जो किसान भी मुझसे, लोगों ने पूछा कि किसान भी कई तरह के हैं भाई, मैंने कहा कि जैसे बोले एक किसान ये है, एक किसान ये है, जिनकी आप देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक किसान वो भी है जो किसी जमाने में उसका अपना खेत था, वो खेत बिक चुका है और उस खेत में वो मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप?